गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास फोर्थ चैप्टर फोर्थ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट हैव अ शॉर्ट रीडिंग ओवर नर्वस सिस्टम एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द होल चैप्टर इन डिटेल। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट वर्क्स कंटिन्यूसली टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। Everything we do is controlled by our nervous system. The nervous system in our body is made up of brain, spinal cord, and nerves. Our whole body is covered by an interconnected network of nerves. These can be compared to a network of rods. The brain receives and sends messages through these nerves. So, this work of nerves allow the brain to monitor every part of the body. Nerve क्या होते हैं? हमारी body में बहुत सारे cells और nerves हैं जो हमारी हर एक movement के लिए responsible होते हैं। ये nerves हमारे brain को message पहुँचाते हैं और हमारा brain in return इन message को reply के through और इन nerves के through send करता है। इसी वजह से हमारे ब्रेन के थ्रू ही हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारा जो पूरा नर्व सिस्टम है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। वी हैव ऑलरेडी कैटेगराइज दीज थिंग इन प्रॉपर मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्रेन। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, ये हर एक पार्ट का अपना एक अपना फंक्शन होता है। वी हैव अ डायग्राम ऑफ आर ब्रेन। दिस ग्रीन पार्ट इज सेरिब्रम, दिस रेड पार्ट इज सेरिबेलम एंड दिस पर्पल इज मेड्यूला। डोंट गेट कन्फ्यूज, असलियत में ब्रेन ऐसा कलरफुल नहीं होता है। आई जस्ट मेक इट अट्रैक्टिव टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियर। ओके, दिस पार्ट इज सेरिब्रम, दिस सेरिबेलम एंड दिस मेड्यूला। नाउ लेट्स फोकस ऑन फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट। जो सेरिब्रम होता है बच्चों, ये हमारी बॉडी की लर्निंग में हेल्प करता है और हमारी सारी इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हम कर सकते हैं, राइट? मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक लर्निंग, हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं वो सब सेरिब्रम में जाके स्टोर होता है। आप कोई भी मूवी देखते हैं, आप कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लर्निंग करते हैं। अभी मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ, ये चैप्टर आपके ब्रेन के इस पार्ट में जाके सेव हो जाएगा, राइट? नाउ सेरिबेलम बच्चों हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, राइट? अगर सेरिबेलम नहीं होगा तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, हम अपने बॉडी को एक प्रॉपर मेंटेन करके नहीं रख सकते। हम रनिंग करते हैं, हम अपनी सारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सेरिबेलम के थ्रू कंडक्ट होती हैं। ओके, नाउ मेड्यूला। बच्चों मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जिन पे हमारा काबू नहीं रहता, लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड अदर ब्लड सर्कुलेशन, अदर सिस्टम एज वेल आर रिस्पॉन्सिबल थ्रू मेड्यूला, कंडक्ट थ्रू मेड्यूला। ओके, लेट्स हैव अ शॉर्ट रीडिंग। आपको समझ तो आ गया है और रीडिंग के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेरिब्रम, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड व्हाट टू डू। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड लर्निंग।
सेरिब्रम। इट इज़ स्मॉलर देन सेरिब्रम। इट इज़ लोकेटेड बिलो एंड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स। वी वॉक, रन एंड प्ले विद द हेल्प ऑफ इट। मेजुला। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। इट वर्क्स डे एंड नाइट। गॉट इट? जो मेडुला होता है वो डे एंड नाइट काम करता है, सेरेब्रम डे एंड नाइट काम नहीं करता। एंड सेम फॉर द सेरेब्रम। नाउ नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के सारे एक्शन हमारी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन उन एक्शन का हमारे एक्शंस का रिप्लाई हमारा ब्रेन देता है। लेकिन देयर आर सम अदर्स एक्शंस लाइक रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट कराती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो सडन एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, सडन यानी कि अचानक से जो हम एक्शंस लेते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंडक्ट होते हैं, राइट? जैसे कि आपको कभी हो कि आप किसी गर्म पानी की गिलास को आप टच करते हैं तो आपको सडनली बहुत ज़्यादा गर्म लगता है और आप सडन झटके से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है जैसे मम्मा आपको, कभी टीचर आपको पनिश करती है तो आपको डांट पड़ती है, आपको मार पड़ती है मम्मा से, ठीक है, स्टिक से मार पड़ती है, तो क्या होता है आपको जैसे स्टिक पड़ती है आप क्या करते हैं, अपना हाथ स्टिक पड़ने से पहले ही झटक देते हैं, हटा लेते हैं। क्यों? या पढ़ने के बाद तुरंत एकदम अपने हाथ को झटक देते हैं। क्यों? दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन अचानक से सडन इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एक्शन ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है जो इन एक्शंस को अपने मुताबिक रिप्लाई दे देती है, राइट? जैसे ही आपको गर्म फील होता है तो स्पाइनल कॉर्ड आपको ऑर्डर दे देती है टू अपना हाथ पीछे हटाने के लिए आपको ऑर्डर दे देती है। ठीक है, ब्रेन के पास ये मैसेज नहीं पहुंच पाते। ओके, नाउ हियर इज अ डायग्राम ऑफ सेल, आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, ये भी एक तरीके का सेल ही है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। इसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, हर एक बॉडी ऑर्गन के, हर एक हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, हर एक ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होते हैं। लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो सेल होता है वो न्यूरॉन ही होता है। आर यू गेटिंग? हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा सेल है वो न्यूरॉन होता है। अब हमारी स्पाइनल कॉर्ड कैसे मैसेज कंडक्ट करती है, कैसे मैसेज ब्रेन के पास लेके जाती है न्यूरॉन के थ्रू, हम वो समझेंगे। बच्चों ये है हमारा सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी। ये हमारा न्यूक्लियस, द येलो पार्ट इज न्यूक्लियस। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर डेंड्राइट। ओके, गॉट इट? एंड दीज आर, ये जो छोटे लास्ट पार्ट हैं ये हैं एक्सन टर्मिनल्स। बच्चों मैं अभी आपको इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सकती, आपको मैं उतना ही बताऊंगी जितना आपकी बुक्स में मेंशन है, नोट्स में मेंशन है। ओके, आपके कोर्स में जितना मेंशन है, आपकी बुक में जितना दे रखा है, मैं उतना ही बताऊंगी। फर्दर आप इसके बारे में बड़ी क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों जो मैसेज होता है वो रिसीव होता है डेंड्राइट के थ्रू। जो भी मैसेज आता है वो डेंड्राइट के थ्रू रिसीव होता है और एक्सन टर्मिनल्स के थ्रू फर्दर वो डिले होता है।
फर्दर वो क्या होता है, पास होता है, राइट। डेंड्राइट के थ्रू वो मैसेज रिसीव होता है, और ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर में एक के पीछे एक के पीछे एक ये सेल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कन्वे करते 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 एक सेल ने दूसरे को कन्वे करा, दूसरे सेल ने तीसरे को कन्वे करा, ऐसे कन्वे करते 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 ये मैसेज ब्रेन के पास पहुंचा देते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, जैसे कि ब्रेन के तीन पार्ट थे वैसे ही नर्व्स के भी तीन पार्ट हैं, और हर एक का अलग अलग फंक्शन है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व। बच्चों जैसे सेंसरी नर्व्स होती हैं वो सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, और वही एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं जो एक्टिविटी सेंस ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, राइट। जो सेंसरी नर्व होती है वो देखने का काम, सुनने का काम, स्मेल करने का काम, टेस्ट करने का काम और फील करने का काम करती हैं। जो मैसेज या जो एक्शन सेंस ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं उन्हीं एक्शंस को ये ब्रेन के पास पहुंचाती है, राइट। देखने के लिए ये नर्व्स क्या करती हैं, हमें हमने कोई इमेज देखी, ठीक है, तो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया, और फिर हमें हमारा ब्रेन मैसेज करता है कि वो चीज़ क्या है। लाइक हमने कोई फ्लावर देखा, हमारी आइज ने फ्लावर देखा, तो हमारी जो सेंस है, सेंसरी नर्व्स हैं, वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी, हमारे ब्रेन तक वो इमेज लेकर जाएगी, और हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा कि दैट इमेज इज़ अ फ्लावर। आ रही बात समझ में, ठीक है। एंड मोटर नर्व्स, बच्चों मोटर नर्व्स आप एक तरीके से एज अ सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो एक मोटर का काम करती है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं मोटर का काम करती है, मोटर क्या काम करती है, मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, राइट। तो ये जो हमारी बॉडी में जितनी मसल्स हैं, जो मोटर नर्व्स हैं, उन मसल्स में मूवमेंट प्रोवाइड कराती है मोटर नर्व्स, राइट। हमारा चलना, दौड़ना, भागना सभी, ठीक है, ये मोटर नर्व्स कंडक्ट करवाती है। ओके, हम इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं हमारे, वो भी मोटर नर्व्स के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस में हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, वो तभी रिलीज़ होते हैं जब हमारे खाना खाने की एक्टिविटी को हमारी मोटर नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, राइट। हम खाना खाएंगे, हमारी सेंस ऑर्गन एक्टिव होगा टंग, तो हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं उन्हें पता लग जाएगा, तो हमें टेस्ट आ जाएगा, हमें टेस्ट की पहचान हो जाएगी, फिर हम उस खाने को स्वॉलो करेंगे, राइट, थ्रू फूड पाइप। और स्वेलो करने के बाद हमारी जो मोटर नर्व्स हैं वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगी दैट नाउ आवर स्वेलोड फूड इज गोइंग इन द स्टमक एंड देयर आर डाइजेस्टिव जूस हैव टू रिलीज। ये काम ब्रेन करवाएगा डाइजेस्टिव जूस रिलीज होने के लिए और खाने के डाइजेस्ट होने के लिए, ये काम ब्रेन करवाएगा। आर यू क्लियर, इज़ इट क्लियर टू यू, समझ आए सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स हमारी एक्टिविटी परफॉर्म कराती हैं, वेदर इट इज़ वॉलेंट्री एंड वेदर इट इज़ नॉन वॉलेंट्री। हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके एक्शंस हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू आते हैं। नाउ मिक्स्ड नर्व, बच्चों नाम से ही पता लग रहा है मिक्स्ड नर्व वो नर्व्स होती हैं जो हमारी सेंसरी एक्शंस को भी कंडक्ट करवाती है और मोटर एक्शंस को भी कंडक्ट करवाती है। लेट्स हैव अ स्मॉल रीडिंग। सेंसरी नर्व्स, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मैसेज आर इंटरप्रिटेटेड बाय ब्रेन
एंड वी आर एबल टू सी हेयर स्मेल टेस्ट एंड फील. मोटर नर्व्स दे कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स द ग्लैंड. दीज इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स और सेक्रेशंस बाय ग्लैंड. मिक्स्ड नर्व दीज नर्व परफॉर्म बोथ द अबव फंक्शंस. दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. राइट नाउ वी हैव लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन इन डिटेल. आपकी बुक में रिफ्लेक्स एक्शन एक टॉपिक है, उसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन. हम सेंस ऑर्गन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और हम उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन. आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी आइज. हेयर वी हैव अ स्मॉल एंड रफ डायग्राम ऑफ आई. बच्चों आई देखने का काम करती है. एज यू नो कि आई क्या काम करती है, देखने का काम करती है. दीज आर पार्ट ऑफ आई. कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व. राइट, इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे. इसके बारे में हम फर्दर स्टडीज़ में आप डिटेल में पढ़ेंगे. आई कैसे देखती है बच्चों, आपको पता है हमारी आईज़ की जो आई लैशेज होती हैं और आई लिड्स होती हैं, आईब्रोज होती हैं, वो हमारे आईज़ को प्रोटेक्ट करती हैं डस्ट से. राइट, द अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्निया. क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं. दिस ब्लू थिंग इज नोन एज लेंस. दिस येलो पार्ट इज नोन एज रेटिना एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल नर्व. वी हैव सम अदर थिंग एज वेल, जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रेड पार्ट को हम कहते हैं आयरिस और इस ब्लैक पार्ट को हम कहते हैं प्यूपिल. ये जो प्यूपिल होता है वो लाइट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है. जब लाइट ज़्यादा होती है तो ये प्यूपिल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. हमारी आई को एक पर्टिकुलर अमाउंट की लाइट की ज़रूरत होती है टू फॉर्म एन इमेज. जब लाइट ज़्यादा होती है तब ये पीपल छोटा हो जाता है, और जब लाइट कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेने के लिए ये अपना साइज़ बढ़ा लेता है. बच्चों आउटर लेयर जो होती है उसे हम कॉर्निया कहते हैं. पीपल का फंक्शन मैंने अभी आपको बता ही दिया. लेंस इमेज बनाता है. लेंस क्या करता है? इमेज को रेटिना की तरफ बनवाता है. राइट, लेंस क्या करता है? इमेज को, ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं ये होता है रेटिना. यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है एंड थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व वो इमेज हमारी ब्रेन के पास पहुँच जाती है सिंगल सिग्नल बनके. राइट, वो सिग्नल बनके इमेज के पास, जो ब्रेन के पास इमेज जाती है, इमेज फिर ऑर्डर देता है उस इमेज को पहचानने का. राइट, लाइक ये स्टिक, इस स्टिक को हमने देखा, हमारी आईज़ ने इमेज फॉर्म करी और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, हमारे ब्रेन तक इस स्टिक की इमेज लेके गई और फिर हमारे ब्रेन ने रिप्लाई करा कि दिस इज़ अ स्टिक. राइट, देन वी एबल टू रिकॉग्नाइज इट. नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ear. Here is ear. Here is a diagram of ear.
बच्चों इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, राइट। ईयर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहते हैं मिडिल ईयर, दिस आउटर ईयर, इनर ईयर एंड दिस पार्ट इज नोन एज आउटर ईयर। आउटर ईयर में सबसे हम पहले बात करेंगे पिन्ना। ये जो आउटर ईयर होता है पिन्ना, ये कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। पियर्सिंग जब गर्ल्स करवाती हैं, कान छिदवाती हैं, पियर्सिंग मतलब जब कान छिदवाती हैं तब ब्लड नहीं निकलता, राइट। क्यों नहीं निकलता? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारे कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होते, राइट। और ये बहुत स्मूथ बोन होती है और इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये होता है पिन्ना। ये पिन्ना आवाज़, साउंड, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने का काम करता है। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप अपने ईयर में देखेंगे तो ये पिन्ना बहुत डिफरेंट शेप का होता है जो साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने का काम और ऑडिटरी कैनल में भेजने का काम करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ये ऑडिटरी क्या होता है, कैनल होता है। यहाँ से जो साउंड वाइब्रेशन होती हैं वो ईयर ड्रम पे पड़ती हैं। जो साउंड वाइब्रेशन होती हैं वो पिन्ना के थ्रू कलेक्ट होकर ऑडिटरी कैनाल से गुजर कर ईयर ड्रम पे पड़ती है। ये जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं आप, दिस इज़ ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम मोशन में आता है, राइट, टू एंड फ्रो मोशन। बच्चों आप टू एंड फ्रो मोशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन। ये ऐसे ऐसे हिलता है, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे करके हिलता है, टू एंड फ्रो मोशन। आपने ड्रम देखा है, ड्रम जो मॉर्निंग असेंबली में आपने देखा होगा जो ड्रम बजता है, ये कुछ इसी तरीके से होता है, इसी तरीके की वाइब्रेशन ये प्रोड्यूस करता है। और वही वाइब्रेशन फर्दर चल के कोकिला, फिर इस कोकिला यहाँ पे पहुँचता है और ये वाइब्रेशन कोकिला के थ्रू जाकर हमारी स्पेशल नर्व जो ईयर की वाइब्रेशन को, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है, उस नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन पे जाता है और साउंड का रिप्लाई हमारा ब्रेन करता है। सेकंड इज नोज़। नाउ नोज़, बच्चों नोज़ हमें स्मेल का काम करती है, आपको जैसे पता ही है नोज़ स्मेल का काम करती है, हमारे फूड को, फ्लावर्स की स्मेल को, बाकी सबको स्मेल करने का काम करती है। हेयर इज़ अ वेरी स्मॉल डायग्राम मेंशन इन योर बुक्स। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है नोज़ का। बच्चों ये जो पार्ट है आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा नोस्ट्रल पैसेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नोस्ट्रल पैसेज। हमारी जो नोज के होल्स होते हैं उसको हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। क्या कहते हैं? नोस्ट्रल्स। एंड जो पैसेज होता है, पैसेज, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नोस्ट्रल पैसेज कहते हैं, ठीक है। हमारी जो नोज होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, ऑलरेडी एक नर्व कनेक्टेड होती है, जिस उस नर्व का नाम है ऑल्फैक्ट्री नर्व कनेक्टेड होती है। जो हम जब कोई भी स्मेल करते हैं कोई भी चीज़, तो वो स्मेलिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मेल के पार्टिकल्स जो होते हैं, किसी भी खुशबू बदबू के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑल्फैक्ट्री नर्व से के थ्रू हमारे ब्रेन तक सिग्नल बन के जाते हैं और ब्रेन इंटरप्रेटेट करके उसको रिप्लाई देता है और हम उस स्मेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टंग, राइट। हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ टंग, राइट। टंग का जो बैक पार्ट होता है, यहाँ पे क्या आता है? बिटर टेस्ट। साइड पार्ट्स में सोर टेस्ट। हेयर द पिंक पार्ट रिफ्लेक्ट स्वीट एंड हेयर द ऑरेंज पार्ट रिफ्लेक्ट साल्टी, राइट।
ये हमारी टंग में टेस्ट बर्ड हैं जो हमें खाने के टेस्ट के बारे में बताते हैं। नाउ स्किन, बच्चों हियर इज अ डायग्राम ऑफ स्किन, राइट, सेक्शनल व्यू ऑफ स्किन। आप देख सकते हैं हियर इज सेंसरी नर्व, ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट, हेयर फॉसिल, फैट, एपिडर्मिस, डर्मिस एक्सेट्रा। बच्चों स्किन जो होती है, उसमें हमारे सेंसरी नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, हमारी स्किन पे हम कैसा भी टच इजीली फील कर सकते हैं। ये जो सेंसरी नर्व्स है ये पूरे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पे कनेक्टेड होती है, राइट, पूरे पे ये कनेक्टेड होती है सेंसरी नर्व। हम स्किन पे कहीं भी टच करते हैं तो हमारी सेंसरी नर्व उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाती है और हमें रिकॉग्नाइज करवाती है द टच और फील। बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आर ऑर्गन्स, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आर डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक हियर इज आर ईयर, आईज, नोज, स्किन एंड टंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आईज, कि हम अपने आईज की कैसे टेक केयर कर सकते हैं। ओके, हमें अपनी आंखों को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। हमारे अपने फिंगर से हम कभी कभार आंखें रब कर लेते हैं ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। ओके, इफ़ वी फील एनी इरिटेशन इन आर आईज, हमें कभी भी ऐसा फील होता है कि हमारी आंख में कुछ है या हमें थोड़ी जलन फील होती है, हमें कुछ भी आंखों में इरिटेशन फील होती है, सो वी हैव टू गो एंड वॉश आवर आईज। ओके, आपको कभी भी मूविंग व्हीकल में नहीं पड़ना चाहिए। आपको ऐसी लाइट में, मूविंग व्हीकल में क्या होता है बच्चों, हमारा ना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। हम किसी भी मूविंग जगह में पढ़ते हैं, या आप ये कह लीजिए कि हम डिम लाइट में पढ़ रहे हैं, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो ट्रैवल करने से आपकी मूवमेंट की वजह से आपकी आइज़ अल्फ़ाबेट पे या आपकी जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपकी आइज़ को प्रेशर लगाना पड़ता है टू रीड एनीथिंग और टू फॉर्म इमेज ऑफ एनीथिंग विच यू आर वॉचिंग। ओके, हमें डिम लाइट में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी आइज़ एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट में वर्क करती है। अगर हम डिम लाइट में पढ़ेंगे तो हमारी आईज़ पे फोर्स पड़ेगा, हमारी आई पे प्रेशर पड़ेगा और हमें हमारी आई साइड पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, राइट। नाउ ईयर, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आर ईयर, हम अपने कान की कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि हम अपने ईयर्स को क्लीन करते हैं थ्रू ईयरबड, राइट, ईयरबड से क्लीन करते हैं। आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्यों ये सजेस्ट किया जाता है कि हम ईयरबड से ही अपने ईयर्स को क्लीन करें, क्यों? कॉज ईयरबड जो होती है वो पॉइंटेड नहीं होती है, राइट, हमें अपनी ईयर्स को बहुत सावधानी से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी पॉइंटेड चीज़ से अपने ईयर्स को क्लीन करेंगे तो ज़्यादा अंदर जाने की वजह से वो पॉइंटेड चीज़ हमारे ईयर ड्रम यानी कि ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से अगर ईयर ड्रम में वाइब्रेशन नहीं होगी तो फर्दर लिसनिंग प्रोसेस नहीं होगा। हमें ज़्यादा वॉल्यूम में गाने नहीं सुनने चाहिए, हम ज़्यादा वॉल्यूम में गाने सुनते हैं तो हमारे ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ता है, वो और ज़्यादा वाइब्रेट करता है और हमें
फर्दर बहरेपन का, यानी कि हम सुन नहीं सकते, इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। नोज़, हमें नोज़ के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप द नॉस्ट्रल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज़। बच्चों, हमारे पास बहुत सारी ऐसी योगा हैं जिसके थ्रू हम अपनी नोस्ट्रल्स को क्लीन कर सकते हैं। योगा का अगर यूज़ करें तो हम ना तो सिर्फ अपनी नोस्ट्रल्स को क्लीन करेंगे बल्कि अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को भी हेल्दी बना सकते हैं। हमें नोस्ट्रल्स को क्लीन करने के लिए कोई ऐसी चीज़ या कुछ भी हमें अपनी नोस्ट्रल्स में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस में, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। सेकंड, नाउ स्किन। बच्चों, स्किन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वी शुड टेक बाथ डेली, हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमें अपनी स्किन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, हमें रोज़ साबुन और अच्छे पानी से नहाना चाहिए और हमेशा हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो पॉसिबल है कि हमारी स्किन रिएक्ट करे और हमारी स्किन पे दाने हो जाएं, राइट? और हमें कोई कट लग जाता है स्किन पर, हम कभी जल जाते हैं, बहुत सारी हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमें प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिंस लगानी चाहिए। हमें अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिसिन नहीं लगानी चाहिए, राइट? और हमें छोटे मोटे कट के लिए बैंडेज का यूज़ करना चाहिए। हमें किसी भी कट के लिए, किसी भी इंजरी के लिए, हम उसे किसी भी इंजरी को, किसी भी एक्सीडेंट को, किसी भी कट को, छोटे से छोटे कट को भी ओपन नहीं रखना चाहिए। हम उसे बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा सीरियस इंजरी है तो हम डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं। नाउ टंग। बच्चों, टंग को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टंग को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। हम ब्रश करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं ब्रशिंग के दौरान वो अपनी टंग को क्लीन करना भूल जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे टंग क्लीनर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट? हमें ब्रशिंग के दौरान ही अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए, राइट? हमें टंग क्लीनर से अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। और अगर आपके पास टंग क्लीनर नहीं है तो हमें कोल्ड वाटर से, फ्रेश वाटर एंड कोल्ड वाटर से अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए, राइट? नाउ वी हैव सम स्मॉल एक्सरसाइज। ओके, वी हैव दैट। टेक द करेक्ट ऑप्शन। इट रिसीव अ सेंड मैसेज थ्रू द नर्व्स या ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज सेरेब्रम। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, दीज नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यस, सेंसरी नर्व। इट इज द ऑर्गन ऑफ द सेंस साइट। बताइए, आई। वेरी गुड। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोब्स। वेरी गुड, स्किन। सो स्टूडेंट, हेयर योर क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, हेयर योर क्लास फिफ्थ चैप्टर फोर्थ इज कंप्लीटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड स्टडी वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर एवरी नोटिफिकेशन ऑफ अपलोडेड वीडियोज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।